ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ, ਬਾਤ 9000 ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਯੇ ਜੈਸੇ ਵੋ ਅੰਬਾਨੀ ਕੀ ਬੇਟੇ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਥੀ ਤੋ ਉਹਨੇ ਤੋ ਕਹਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਤੇ 3200 ਕਰੋੜ ਤੋ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਪੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿਆ। ਬੋਲ ਗਿਆ ਇੱਕ USA ਕੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਥੀ ਉਸੇ 74 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ। ਬੋਲ ਗਏ तो यहां पे लोग खड़े होकर 9000 की गोएंगे तो अमीर बंदा सोचेगा ये लो ये क्या है। बोलो क्या है ये, क्या है, समझ आ रही मेरी बात? ये वो परमेश्वर है जो नियम से काम करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर नियमों का और कानूनों का परमेश्वर। अगर उसे ये आज स्टार्ट में मन फिराया 9000 की चीज दे सकता है, इसे 9 लाख भी दे सकता है, इसे 9 करोड़ भी दे सकता है, इसे 9 अरब और खरब भी दे सकता हो। Yes, amen। इस ब्रदर का नाम जगता रहे और जो मक्खन मिंडी गांव के रहने वाले हैं, और इस ब्रदर की गवाही जे जैसे जे ब्रदर सेवकाई करते हैं और जे बता रहे हैं कि 1 साल हो गया है इनका प्रार्थना में मन नहीं लगता था और जे करना चाहते थे पर जैसे जे पहले प्रेयर करते थे तो वैसे जे बता रहे कि इनसे प्रेयर नहीं थी हो पा रही और जे काफ़ी परेशान रहते थे और जे बता रहे कि ना ही जे संगति में जब भी आते थे तो संगति में जब भी परमेश्वर के दास वचन बताते थे तो उस समय भी इनको नींद आ जाती थी और जे बता रहे कि काफ़ी परेशान हो जाते थे कि इनका वचन पर भी इनका मन नहीं लग रहा और ना ही इनसे प्रेयर हो रही है। क्योंकि जैसे परमेश्वर के दास जितने भी इस मिनिस्ट्री में जो टीम है परमेश्वर के कामों को कर रही है, जितने भी सहकर्मी हैं, तो परमेश्वर उनकी ऐसे एक मत बाद पर्सनल परमेश्वर पूरी टीम के साथ मीटिंग करते थे। तो जब बता रहे कि जब परमेश्वर के दास ने पूरी टीम के साथ जनवरी मंथ में मीटिंग की थी तो उस मीटिंग में जो ब्रदर भी ब्रदर ने भी मतलब उस मीटिंग को अटेंड किया था। तो जो बता रहे जब परमेश्वर के दास ने उन वचनों के द्वारा पूरी टीम को उत्साहित किया कि कैसे हमें परमेश्वर के कामों को करना चाहिए, हमारे जीवन में प्रेयर कितनी ज़रूरी है, तो और भी बहुत सारे पॉइंट परमेश्वर के दास ने पूरी टीम को सिखाए। तो जैसे इन्होंने वचन को सुना और फिर परमेश्वर के दास ने इस ब्रदर के साथ भी ऐसे पर्सनल भी कुछ मीटिंग की, तो जो बता रहे कि उस मीटिंग में जो बता रहे कि जैसे कि इन्होंने बताया कि इनकी ऐसे परमिशन इनको बेटियों के साथ तो ब्लेस किया पर इनके पास अभी बेटा नहीं है, तो इनकी बहुत चाहते कि परमेश्वर इनको बेटे के साथ भी ब्लेस करे। तो जैसे फिर परमेश्वर के दास ने इनको टीच किया, क्योंकि परमेश्वर ने इनको सिखाया, वचन दिया कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकते, क्योंकि वचन में तो लिखा है कि बच्चे यहोवा की मीरास है, तो आप इसके लिए क्यों सोचते हो? अगर आप परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलते हो, परमेश्वर को पहला स्थान देते हो प्रेयर में, संगति में, और जो सेवा परमेश्वर ने आपको दी है तो आपने उसमें और भी वफादारी करनी है, पूरे मन से करनी है। क्योंकि जो ब्रदर बता रहे कि जे ऐसे सेवा करने के लिए आने के लिए भी जो कोशिश करते थे पर इनसे पहुँचा नहीं सकते, आ नहीं पा रहे थे शाम के टाइम, तो उससे भी जो काफ़ी परेशान थे। तो जैसे इनको टीच किया, इनको सिखाया, तो जो बता रहे कि उस दिन ही परमेश्वर की सामर्थ ने इनको शुअर जो भी इनके जीवन में ऐसी एक परेशानी थी, बहुत बोझ था कि इनसे प्रेयर नहीं हो पा रही, जब संगति में जाना चाहते मीटिंग में आते पर वचन नहीं सुन पा रहे, तो उसी दिन ही परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा इनको सिखाया और भी वचन दिए कि आप परमेश्वर के साथ सब कुछ कर सकते, वो परमेश्वर से कोई भी काम कठिन नहीं, आप परमेश्वर को अपनी वफादारी के साथ अपनी सेवकाई में अपना मन लगाओ तो परमेश्वर सब कुछ करेंगे। तो जैसे फिर इन्होंने ऐसा करना शुरू किया और जो बता रही कि जो कि 1 साल हो गया था इनसे प्रार्थना नहीं हो रही थी, जैसे पहले जो करते थे मन नहीं लगता था ना तो मॉर्निंग टाइम ना ही रात के समय, तो जो बता रहे कि अभी 1 महीना हो गया है परमेश्वर ने इनके जीवन को इतना बदल दिया है। जो बता रहे कि जो कि पिछले दिनों में फरवरी मंथ में और इस मार्च महीने में भी प्रेयर रखी थी, उन दिनों में भी जो लगातार प्रेयर में आए थे, जबकि जो फरवरी मंथ की प्रेयर थी उन दिनों में भी जो 2-3 दिन प्रेयर में आए, और जो मार्च महीने की जो प्रेयर रखी थी 1 हफ्ते की, तो इस हफ्ते भी जो 4 दिन प्रार्थना में आए थे, और जो कि एक
समय जे एक साल हो गया कि प्रार्थना में बैठ नहीं पा रहे थे, पर अब जे ब्रदर बता रहे हैं कि सुबह के समय तुझे प्रार्थना करती है, पर रात के समय जे 2 घंटे 2.5 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं, और जो कि ये भी एक नेगेटिविटी का प्रभाव था, क्योंकि इस ब्रदर की बहुत चाहती परमेश्वर के कामों को करने की, पर इनसे हो नहीं रहते। पर जैसे ही परमेश्वर के दास ने इनको टीच किया, मीटिंग में पूरी टीम को उत्साहित किया और उन वचनों के इन्होंने सीखा, तो जो बता रहे कि आज परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। सबसे पहले तो इनको प्रेयर लाइफ में परमेश्वर ने ब्लेस किया, इनकी प्रेयर को बढ़ा दिया है। इसके लिए जो परमेश्वर का धन्यवाद करते, परमेश्वर के दास का भी धन्यवाद करते, और प्लस जो बता रहे कि जो कि जो इनका काम है, सब्जी का जो काम करते हैं, तो जो बता रहे कि उसके लिए इनको एक बाइक चाहिए थी, तो उसके लिए भी इन्होंने परमेश्वर के दास के साथ जब बात की, तो परमेश्वर के दास ने इनके इनको उत्साहित किया कि परमेश्वर आप इसको भी, परमेश्वर आपको बाइक के साथ भी ब्लेस कर चुके। तो जो बता रहे कि आज परमेश्वर ने इनको बाइक के साथ भी ब्लेस कर दिया है, और उसके भी अभी इन्होंने कोई भी पैसे नहीं दिए। जो बता रहे कि अभी इन्होंने कुछ ही पैसे दिए हैं, जैसे कि सिर्फ 1000-2000 रुपया ही दिया है, और अभी कोई ज़्यादा पैसे नहीं दिए। और जो बता रही कि 1 महीना हो गया है, अभी तक उन्होंने कुछ भी इनको नहीं बोला कि आप सारे पैसे दो। जो बता रही कि सच में जो परमेश्वर की ही सामर्थ्य है, कि परमेश्वर ने मेरे मार्ग को खोल दिया है। और जो बता रहे कि जो प्रार्थना नहीं करते थे, अब प्रार्थना भी कर रहे हैं, और अच्छे से मन लग रहा है। और जो बाइक लेने के लिए जो काफ़ी परेशान से ले नहीं पा रहे थे, उसके लिए भी परमेश्वर ने इनको ब्लेस कर दिया है। और प्लस जो बता रहे हैं कि क्योंकि जो पढ़े नहीं है, जो वचन को जहाँ से किसी से भी लिखवा कर ले जाते हैं, और घर में जो बता रहे हैं कि कभी कभी जो इनके मिसेज है, कभी उनसे जे उन वचनों को सुनते हैं, या फिर जो बता रहे हैं कि अगर कोई भी बच्चा इनको ऐसे घर में मिलते हैं कोई भी, तो क्योंकि जो इनके बच्चे वो तो काफ़ी छोटे हैं, पर जो बड़े बच्चे जो जो बता रहे इनके घर में होते, तो उनसे भी जो वचन को सुनते, जो बता रहे कि इतना मन परमेश्वर ने इनका चेंज कर दिया है, क्योंकि जो एक साल से इनके इनसे प्रेयर नहीं हो रही थी, पर आज वचन से और परमेश्वर के दास के साथ मीटिंग करने से ही परमेश्वर ने उस वचन के द्वारा इनके जीवन को चेंज कर दिया है। तो सच में इस गवाही के लिए जो परमेश्वर के दास का बहुत सारा धन्यवाद करते, क्योंकि जो इनकी चाहत है कि जो सेवा जो पहले अच्छे मन से कर रहे थे, तो आज भी जो उसी मन से उसी तरह जो सेवा करना चाहते हैं, और परमेश्वर आज इनसे करवा रहे हैं, जिसके लिए धन्यवाद करते हैं। और जो परमेश्वर ने ब्लेस कर रहे हैं काम के साथ भी, उसके लिए भी जो धन्यवाद करते हैं। तो ये विश्वास करते हैं कि जो भी मुझसे पिछले दिनों में जो गलतियां हुई है, तो परमेश्वर मुझे माफ कर चुके हैं, और जो परमेश्वर ने आज इनके जीवन को बदल दिया है, तो इसके लिए जो दिल से खुशी से धन्यवाद करते हैं कलीसिया। तो सच में हम इनके जीवन के लिए, इनके जीवन को बदलने के लिए, जो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा इनको वचन के द्वारा सिखाया था, तो जो धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ऐसे ही इनको प्रेयर लाइफ में बढ़ा चुके हैं, और भी अपने कामों में और भी इस्तेमाल कर चुके हैं। इस गवाही के लिए जो परमेश्वर और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते हैं। तो सच में कलीसिया, हम इस बड़ी गवाही के लिए पर तारीफ करेंगे, दिल से जोर से जोर से इस गवाही के लिए तारीफ करेंगे। तो माइक दो इन्हें भी। जय मसीह पापा जी। जय मसीह की जी। जय मसीह मामा जी। तो सुनो, ये आपकी आपने गवाही सुनी है इसको पहले भी, तो थोड़ा बता रहे थे ये सेवकाई करते हैं। सेवकाई मतलब टीम में, टीम मेंबर है ये। सेवकाई मतलब चर्च में मेरे साथ सहकर्मी मिलकर मतलब सेवकाई करते हैं। नहीं तो अगर अच्छे से लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया तो वो समझेंगे शायद, समझ आ रही है। तो ये एक टीम मेंबर हैं, पर हुआ क्या आप अपने बताओ, एक साल हो गया ना? हाँ जी पापा जी। एक साल हो गया था? हाँ जी पापा जी। आप कोई भी प्रार्थना नहीं करते थे? कर दे जिस दो चार पांच मिनट। माइक की आवाज नहीं है? दो क्या? चार पांच मिनट दी पापा जी। हाँ, 2-4-5 मिनट की प्रेयर करते थे। सुनो, कितना, एक साल पूरा निकल गया। हाँ जी पापा जी। 2-4-5 मिनट की प्रार्थना। सुनो, तो जिस सेवा के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया था वो भी नहीं कर रहे थे? कभी टाइम लगा, अपने कामों में व्यस्त थे, मतलब बिजी थे। सुनो,
ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे हम बैठे हैं। अगर किसी को खुदा ने उस सेवा के लिए चुना है, ये छोटी सी बात नहीं है। बोलो क्या है? ये छोटी सी बात नहीं। पूरा एक साल निकल गया, 5-7 मिनट की प्रेयर जिस सेवा के लिए खुदा ने बुलाया, कभी कभी कभार आते थे, कभी कभार, पर हालात और बढ़ गए। क्या हो गया था? क्या हो गया इन साल में? क्या क्या हो गया था? फिर प्रार्थना करूं? बिल्कुल जी करूं। तो खुदा के घर में आने को भी दिल नहीं करता होगा? ऐसा दिल करता है छुट्टी मार लो, छोड़ो, ऐसे दिल करता था। क्योंकि सियाने कहते ना, जिवें वेला कर शैतान दा कर, समझ आ रही है? क्योंकि हमारी हमारा जो शरीर है, बाइबल में लिखा है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसलिए उसने कहा, अगर तू मेरे मंदिर का नाश करेगा तो मैं फिर तुम्हारा करूंगा। जब संगति में आते भी थे तो वचन की समझ नहीं आती थी, सुस्ती पै जाती थी, नींद आती, जहां बाहर जाकर बैठ जाओ, ऐसे होता था। हाँ, कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं। कईयों के साथ होगा, और भी हो सकते हैं जिसके साथ ऐसा होगा, पर जो हमने हम हर प्रभु भोज की मीटिंग के बाद मेरी जितने जो सहकर्मी हैं उनकी मीटिंग होती है, तो आप उस मीटिंग में आए ना उस दिन। हाँ जी बापू। फिर अपने वचनों को सुना, सीखा। हाँ जी। कि अगर आप चाहते हो अच्छा जीवन, बेस्ट जीवन, बरकत चाहते हो, तो फिर किसकी बात को मानना पड़ेगा? आपने फिर ध्यान दिया उस दिन। हाँ जी बापू। मन फिर आया। हाँ जी। कि नहीं, आज से मैं उन चीजों में नहीं चलूंगा। हाँ जी बापू। और जैसे ही अपने फिर मन फिर आया, फिर आपकी प्रार्थना कितनी बढ़ गई? फिर बाबा जी 2 घंटे, 2-2.5 भी हो गए, कई बार 3 भी हो जाती। तारीफ करो। 5-7 मिनट हाँ, रास्ते खुलने शुरू हुए। बाबा जी दा जना मैं मीटिंग की थी कि पापा जी मैं जेड़ी लेना चाहना आदे, मैं चाहना चल मोटरसाइकिल पे ले ले। तो फिर तू क्या क्या करना चाहते थे? मैं सब्जी वे चली रेड़ी लेना चाहना है। अब मतलब सब्जी का काम है। हां जी। पर क्या नहीं, क्या लेना चाहते थे? सब्जी वे चली ठेली जो मोटरसाइकिल वाली, मोटरसाइकिल वाली ठेली लेना चाहते थे। ठीक है। तो फिर मैं जदन दा देखो मीटिंग करके गया, वो तो अगले दिन ही मतलब भी एकदम मैं ले ली के कोई आए दुकान ते डॉक्टर जी ते बैठे ही, तो वो कह रहे हैं भी मैं उन्होंने कहा मैं चाचा किन्ने दी रही है मोटरसाइकिल, कहिंदा मैं ते लिया ते 8,000 दा, पर मैं 12,000 रुपया उत्ते 12,000 च बह गया मैनू, तो मैं वेख लो वेचना ते दे दो मैनू, तेरे नहीं गल करके तो मैं घर चल गया, जाके रोटी खान डिया है, तो बड़ा डॉक्टर उन्होंने मेरा बड़ा प्रेम है, तो उन्होंने मैनू मगरों लिया थी। देख लो, जब मन फिर आते हैं तो परमेश्वर कैसे रास्ते खोलता है। बोलो कहें, अब भाई जिसने 9 की चीज ली है, उसने ऊपर पैसे लगाए, वो 12,000 की चीज है। बोलो कहें, अब आपके पास 12,000 तो नहीं होंगे। मैं बाबा जी मैं उन्होंने कहा मैं जरा 8-9,000 लेना ले ला। हाँ। तो उन्होंने डॉक्टर ने कहा चल 9,000 रुपया तेन दे देने। हाँ। तो 9,000 उन्होंने देता, पर मैं कोई भी नहीं देता। देख लो, कभी ऐसा होता है? मुझे बताओ, बताओ मुझे, ऐसा होता है? हाँ? ये है फायदा जब मन फिराते हैं, खुदा के साथ चलने का मन बनाते हैं, तब परमेश्वर रास्ते ओपन करता है। फिर क्यों लिखा है नीति वचन में? क्या लिखा है नीति वचन में? क्या लिखा है? कहोता 3:1 में, हे मेरे पुत्र, मेरी तालीम, मेरी शिक्षा को ना भूलना, मेरे वचनों को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। क्या करना? ऐसे लिखा ना, तू मेरा और मनुष्यों का दोनों का अनुग्रह पाएगा, मेरा भी पाएगा और मनुष्यों के राही भी मैं तुझ पर अनुग्रह करूंगा। एक तो मेरा अनुग्रह, बोलो क्या है? एक तो मेरा अनुग्रह, एक मनुष्यों के राही भी, मनुष्य के द्वारा परमेश्वर ने अपना अनुग्रह किया। जब मन फिर आया, सुना वचन आकर, मनुष्य के द्वारा खुदा ने वो ही वचन इसकी जिंदगी में रिलीज हुआ। क्या हुआ? किसी बंदे ने देख लो 9,000 दे दिया, कहता जा, हाँ जा ले ले, कोई बात नहीं,
मुझे बाद में दे दो। उन्होंने मैंने कहा भी जगतार आया तेरा मोटरसाइकिल लिया आई तो भरावा घर ले आया अपना। मैं ये भी नहीं उन्होंने पूछा भी भाई पैसे किन्ने, तो उन्होंने मैंने कहा भरावा मोटरसाइकिल आया तेरा मोटरसाइकिल लिया था ही। उदों तो ही कहा है कि वेखो जे तुम परमेश्वर ने सही तरीके चलोगे तो परमेश्वर तो अभी कुछ भी कर सकता। तो उतो ही अगले दिन परमेश्वर ने मैंने मोटरसाइकिल दे दिया। सुनो सुनो, बात नौ हजार की चीज की नहीं है, क्योंकि अमीर बंदे के लिए तो कुछ भी नहीं है ना। ये जैसे वो अंबानी की बेटे की शादी थी तो उन्होंने तो कहते 1000 करोड़ खर्च कर दिया, पता नहीं कहते 3200 करोड़ तो उन्होंने प्री वेडिंग पे ही खर्च कर दिया। बोलो क्या है, एक यूएसए की एक सिंगर थी उसे 74 करोड़ दिया। बोलो क्या है, तो यहां पे लोग खड़े होकर 9000 की गोएंगे तो अमीर बंदा सोचेगा ये क्या है। बोलो क्या है, ये क्या है, समझ आ रही मेरी बात। ये वो परमेश्वर है जो नियम से काम करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर नियमों का और कानूनों का परमेश्वर। अगर उसे ये आज स्टार्ट में मन फिराया 9000 की चीज दे सकता है, इसे 9 लाख भी दे सकता है, इसे 9 करोड़ भी दे सकता है, इसे 9 अरब और खरब भी दे सकता हो। Yes, amen. बोलो दे सकता है कि नहीं। सारा सोना सारे हीरे किसने धरती में डाले, किसने डाले सारा सोना, किसने बनाया, मनुष्यों ने बनाया। हाँ, सारा सोना किसने धरती में डाला है, हीरे किसने डाले, तो फिर पर वो नियम का परमेश्वर नियम से देता है, वो कानूनों का परमेश्वर कानून के बाहर कुछ नहीं करता। ओदा बाबा यो किस्तां दे पैसे देंदे आ, ओ मतलब 8000 दा 10000 रुपया लेंदे आ, 100 रुपया किस्त दईए दे, ते मतलब रोज देने। जिस बंदे ने आपके पैसे दे दिए, हां जी, ओ रोज रोज ही 100 रुपया लेंदे आ, पर मैं महीना एक पूरा फ्री चलाई ते महीने बाद 2000 रुपया देता, ओही 1500 एक करी करके देता ते 5000 एक करी करके देता। देख लो, देख लो, और उन्होंने ओदा पैसे ब्याज लाउंदे, मेनू ब्याज भी नहीं उन्होंने लाया। देख लो, ब्याज पर पैसे देते हैं। जैसे मन को तैयार किया, सुना उस दिन आकर मीटिंग में, मन को धीन किया, नम्र किया, क्या किया, नहीं मुझे जाना है, बैठना है। जब हम मन को धीन करते हैं ना खुदा सच में, खुदा के सामने वो क्या कर सकता है, मेरे पास अल्फाज नहीं, शब्द नहीं है कि हमारी सोच से वो कितना ज्यादा कर सकता है। आमीन, तारीफ करो जोर से इस बड़े काम के लिए। परिवार किसे गल दी, यीशु रख द खबर हर पल दी, न करी परिवार किसे गल दी, यीशु रख द खबर हर पल दी, न करी परिवार किसे गल दी, जोर से जोर से अपने हाथों को। परिवार किसे गल दी, ये तू रख द खबर हर।